अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई जी। मोहम्मद भाई, गर्मी बहुत है, गर्मी से बचाने के लिए बकरे को मैं ये गाजर का मुरब्बा, ये रीढ़ का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा और बादाम, इनके ऊपर थोड़ा सा ग्लूकोज डाल के ठीक है वो मैं दे रहा हूँ इनको। ये डेली देने हैं? ये मेरी रूटीन है, तकरीबन 2 माह हो गए इसे, ये सुबह के टाइम देते हैं। ये देखें जी, गाजर का मुरब्बा, ये किसका था, हरीर का मुरब्बा, हरीर का, सेब का और ये बादाम, बादाम भी भीगे हुए हैं ये। हाँ, बादाम भी भीगे हैं, माशाल्लाह ये खुद ही खाएगा आपके सामने। माशाल्लाह, खिलाएं। हाँ अदनान भी, माशाल्लाह देख सकती हैं जी, गाजर का मुरब्बा खिलाया जा रहा है, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें जी, सेब जाने लगा है, ये देखें हाथ में, माशाल्लाह ये सेब है। चलें, ये देखें जी, सेब जा रहा है माशाल्लाह से, क्या बात है। और लाला जी कह रहे हैं गर्मियों में दिल को सुकून मिलता है जानवर की से, इससे सुकून मिलता है जानवर को ना, थोड़ा रिलैक्स रहता है माशाल्लाह। और ये हरीड है, ये देखें जी हरीड दिखा रहे हैं, हरीड माशाल्लाह। और लाला जी बादाम भी देखे दिखाएं थोड़े से, ये देखे जी रात के भीगे हुए बादाम है जी, ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ लाहौर में जी, मेरे साथ है अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। अस्सलाम मोहन भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए अदनान भाई जी। अल्लाह की रहमत माशाल्लाह, और माशाल्लाह, और माशाल्लाह से दोस्तों आप सभी को अदनान भाई की कुर्बानी का जानवर दिखा रहे हैं, क्या बात है जी इसकी। और अदनान भाई का ताल्लुक है लाहौर के इलाके इस्लामतपुरा से, और माशाल्लाह से चांद रात पे यहाँ पे कई बकरे निकलते हैं जो कि लोगों ने कुर्बानी के लिए तैयार किए होते हैं, तो माशाल्लाह से अदनान भाई ने भी बकरा तैयार किया है। अच्छा अदनान भाई, इस बकरे का नाम क्या है? इसका नाम है नौशो पाक का मलंग। नौशो पाक का मलंग, माशाल्लाह। टांगे देखें, अगली पिछली टांगों में गैप कितना है, मजबूत टांगे हैं। अदनान भाई कितने टाइम की तैयारी है ये? रमज़ान से तकरीबन 5 दिन पहले मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। ठीक है, तो अब आपकी माशाल्लाह सामने ही। माशाल्लाह, अंदाजन 3 महीने बनते हैं? तकरीबन 3 माह बन जाते हैं माशाल्लाह। और बाकी जी फेस देखें माशाल्लाह, फेस बड़ा खूबसूरत है। बकरे का सीना देखें माशाल्लाह, कितना चौड़ा सीना बना है, गुंजाइश इसमें काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है, पर मेरी तरफ से ढील रह गई है जितना मुझे मिला, मैंने शौक से निकाल के इतना। क्योंकि अदनान भाई 3 महीने में तैयार किया आपने, टाइम और होता तो मजीद लोग साल साल करते हैं माशाल्लाह, बहुत दो दो साल करते हैं, तो मजीद इसने फ्लरिश होना था, अच्छा मजीद तैयार होना था। बहरहाल मोटे छोटे चेक करें जी, अभी अदनान भाई से इसकी तैयारी के हवाले से भी पूछते हैं। अच्छा अदनान भाई, मैंने देखा था जब आपने लिया था, बिल्कुल पतला सा फ्रेम था ये, हड्डियाँ थी, आपने अंडर लिया था ना ये? हाँ जी, मैंने ये अंडर लिया था, पंच से मैंने खुद करवाया। तो पंच के कितने टाइम बाद आपने गली पे पकड़ा? पंच के तकरीबन 1.5-2 माह बाद, 1.5-2 महीने बाद, यानी बकरा फुल रिलैक्स किया आप, रिलैक्स करके ठीक करके इसे, फिर मैंने इसे तैयारी। माशाल्लाह, बाकी देख सकते हैं जी आप। अच्छा लाला जी, ये जो सीना बनता है, बगले बनती हैं, मोटे छोटे बनते हैं, तो इसमें ज्यादा अहम किरदार गंदुम का होता है कि दही का होता है? गंदुम और दही दोनों चीजों का होता है। जब बकरा तैयारी पे लगता है, हरे पट्टे के साथ स्टार्टिंग आप किस चीज से करते हैं? सुबह का टाइम गंदुम होती है, एक पाव से स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, 1 किलो तक लेके जाते हैं एक खसी बकरी को ना। अच्छा, पाव से शुरू करते हैं, आधा किलो तक? आधा किलो तक, आधा किलो से ज्यादा नहीं। ठीक है, जानवर मुंह खोलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गर्मी मनाएगा, फिर वो 2 किलो पट्टे से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, और 6 किलो तक यहाँ पट्टा दो, 6 किलो पट्टे दिए, रिलैक्स रखा। नहीं, 6 किलो दोनों टाइम हो गए? एक टाइम पे 6 किलो और रात को वंड दिया 1 किलो, ठीक है, 1 किलो के बाद तकरीबन 1 किलो पट्टे दिए बस, ठीक है, और कुछ नहीं वंड, यानी आपने 1 किलो ही दिया? 1 किलो। तो वंड की रेशो क्या होती है, कितने गंदुम होती है, कितना चना गंदुम बराबर होती है? ठीक है, उससे आधा वो मकई होती है, ठीक है, और आधा छिलका होता है। ठीक, तो लाला जी जैसे अभी गर्मी है, वंड गीली रहते थे? हाँ जी, वंड तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगो लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर रात को से वंड, रात की, माशाल्लाह, बाकी देख सकते हैं जी। अच्छा लाला जी, अदनान भाई आप जो हैं पेटा कैसे खोलते हैं जानवर का? अब मैं तकरीबन पठोर वंड से, पठोर वंड से नहीं। हाँ जी, ठीक माशाल्लाह, बाकी तैयारियां देखें जी, चमक शमक देखें। अब जितनी गर्मी है अदनान भाई, तो ग्लूकोज वगैरह भी जानवर को देना चाहिए? हाँ जी, ग्लूकोज मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ग्लूकोज दे रहा हूँ, और सुबह के टाइम ना, ठीक है, ग्लूकोज दे रहा हूँ, पानी में मिक्स करके सुबह मुरब्बों में हल्का सा थोड़ा सा ग्लूकोज लगा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है,
माशाल्लाह। उसमें कभी कभी बस सीएसई भी डाल ली। ठीक है, उससे रिजल्ट मजीद अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है। ठीक, बाकी देख सकते हैं जी आप सभी, और बड़ा पतला सा फ्रेम था जब अदनान भाई लाए थे, और बड़ी जल्दी अदनान भाई ने इतना ज़बरदस्त तैयार किया है। और अदनान भाई का मैं तारुफ़ करा दूं जी, लाहौर के इलाके सलामतपुरा में सदाकत बर्फ़ी बड़ी मशहूर है, खालिस खोए वाली बर्फ़ी होती है, ऐसी ही अदनान भाई जी। बिल्कुल सर, हमारी सारी ना आउट ऑफ कंट्री जाती है माशाल्लाह, दूर दराज जाती है। तो अदनान भाई की माशाल्लाह से वो शॉप है, साथ ही साथ अदनान भाई का ये शौक़ है, हर साल ही अदनान भाई कुर्बानी पर बकरे तैयार करते हैं। और अदनान भी आपका गालबन 2 साल पहले भी काला बकरा ही था बड़ा, 2 साल पहले काला बकरा था, पिछले साल छतरा था मेरा। ठीक है, और उससे पहले बकरा था। तो अदनान भाई मजा कौन ज्यादा खिलाता है, बकरा के छतरा? छतरे की जो तैयारी ना बहुत आसान है। ठीक है, माशाल्लाह दिनों में ही बनता जाता है। अच्छा, और बकरा जो है ना, बकरा थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा टाइम देना पड़ता है, मालिश करनी पड़ती है, हर चीज करनी पड़ती है। लेकिन मजा कौन कराता है ज्यादा आपको? मेरी फेवरेट ना जो चॉइस है वो बकरा ही है। आपकी चॉइस बकरा ही है? इस दफा वो भाई जिद कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए ना छतरा रखना। ठीक है, 2 दान कैटेगरी में इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बाकी चेहरे की खूबसूरती देखें, वटशर्ट देखें, झालर देखें, सीना देखें, और ज़बरदस्त तैयारी है। अदनान भाई बता रहे थे कि लास्ट 1.5 महीने से, तकरीबन 2 महीने से वो मुरब्बे भी खिला रहे हैं। गाजर का, सेब का, रीढ़ का और बादाम साथ। ठीक है, सुबह के टाइम यानी जानवर इसे ठंडा रहता है, दिल को सुकून रहता है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से जी अदनान भाई ने कूलर भी लगाया हुआ है जानवर के लिए, ये अंदर कमरे में होता है, और जितना हब्स है इनके लिए अदनान भाई, जितना हब्स है कूलर तो कंपलसरी है। हाँ, कूलर और साथ मैंने पंखा भी लगाया हुआ है। अच्छा, दोनों चीज़ें चलती हैं? दोनों चीज़ें, गर्मी बहुत है ना, गर्मी से बचाना पड़ता है। ठीक, बाकी नाम इसका अदनान भाई ने बताया था, नोशो पाक का मलंग। माशाल्लाह क्या बात है। तो अदनान भाई, जब आपने लिया था तो आपने इसमें क्या देखा था? टांगे देखी थी? मैंने इसकी टांगे देखी थी। ठीक है, और इसका फ्रेम मैंने देखा था। ठीक है, फ्रेम अच्छा था, टांगे अच्छी, बिल्कुल कमजोर था, ये हड्डियां थी। हाँ, वो भी क्लिप मेरे पास है, वो भी मैं दूंगा आपको। ठीक है, देखिएगा कि माशाल्लाह कितना बदला। माशाल्लाह जी। और अच्छा अदनान भाई, मेन चीज जो मैंने आपसे पूछनी थी, ये जानवर देखे माशाल्लाह से तैयारी पे है, लेकिन जानवर एक्टिव है। हाँ जी, तो दौड़ है, चल फिर रहा है इजीली, ये तो नया बंदा आएगा ना उसे भागेगा से मारने के लिए भी। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल रिलैक्स रखा है, तो जाती नहीं की इसके साथ, थोड़े से पट्ठे दिए हैं, 5-6 किलो पट्ठे। ठीक है, माशाल्लाह ये तैयार हो गया, 1 किलो मांडा। तो अदनान भाई, बकरे को एक्टिव रखने के लिए क्या देना पड़ता है, या ये नेचुरली होता है, या तैयारी ऐसी दी है आपने? मैंने बिल्कुल ना स्लो दी है इसे। ठीक है, अदनान भाई थोड़ा सा आगे ले आइएगा, मुझे ना ये कह रहा है कि तूने मुझे तैयारी क्या दी है। अच्छा, ये माशाल्लाह ये देखिए कितनी गुंजाइश है, सीना देखा माशाल्लाह कितना चौड़ा है। बिल्कुल जी, अभी इसमें गुंजाइश बड़ी ज्यादा है, हर तरफ से गुंजाइश है इसकी बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदनान भाई 3 महीने के हवाले से बड़ा अच्छा तैयार किया आपने, टाइम ज्यादा होता तो इंसान और ज्यादा मेहनत कर लेता है, तो मिल जाता तो माशाल्लाह, ये क्योंकि लोग साल साल तैयारी पे लगाते हैं, 2-2 साल लगाते हैं माशाल्लाह से, 2-3 माह की तैयारी में इंशाल्लाह। लेकिन यही फन है अदनान भाई, 2-3 माह की तैयारी में, 90 दिन की तैयारी मारी होती है बस ज्यादा। माशाल्लाह, चेक कर ले जी, और ये सारे बकरे, ये वाला बकरा, इमरान भाई वाला बकरा, और मुख्तलिफ बकरे, ये सारे चांद रात पे निकलेंगे इंशाल्लाह जी, हमारे सलामतपुर में रौनक लगेगी, मियां इमरान साहब जो दरोगे वाला वाले, ठीक है भाई है बड़ा, ठीक है ना, उनका भी बकरा आएगा, अल्लाह खैर का टाइम लाए इंशाल्लाह, भी इंशाल्लाह जाएगा। और कौन कौन से आएंगे दरान भाई? और भाई बूटा सलामतपुर का, अच्छा उनका भी आएगा, मियाँ लिए हैं, ठीक है, उनके पास मेरा ख्याल है कि टैडे हैं, ठीक है इंशाल्लाह वो भी निकालेंगे, रौनक लगेगी, रौनक, और आवाम काफी ज्यादा थी, वो फेस्टिवल होता है, एक त्यौहार होता है, शौक होता है यार, एक बिल्कुल जो इलाके में ना माशाल्लाह बकरे अच्छे खूबसूरत। तो अदनान भाई, ये काफी अच्छी चीज है कि कुर्बानी का जो जज्बा है वो बढ़ता है इससे। हाँ जी, हमने शौक को शौक ही हद तक रखा है, अना का मसला नहीं बनाया है। बिल्कुल, और मुकाबलेबाजी इसमें कोई नहीं है, किसी का 5-10 किलो ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन कुर्बानी करना है। हाँ जी, कुर्बानी करनी है, बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल करे। बिल्कुल जी, या तो तोलना हो तो फिर बड़े छोटे का देखा जाता है, तोलने वाला कंसेप्ट नहीं है, पिछले साल मेरा छतरा तोलता था पर मैंने नहीं तोला। हाँ माशाल्लाह, क्यों अदनान भाई, शोज़ जो हैं वो एक लिहाज से शोज़ पे भी जाना चाहिए, अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन ये कुर्बानी वाले जो जानवर हैं ये तो माशाल्लाह से इनमें तो वज़न नहीं देखा जाता। नहीं, वो मेरे वाला साहब कहते हैं कि जिस दिन तुम नमाज पे ले गए ना अपना जानवर, उस दिन कुर्बानी वाला जानवर एक दिन पहले ही आएगा, घर में नहीं पाल सकते इसलिए नहीं, मैं पिछले साल भी इजाज़त नहीं मिली मुझे, मैं नहीं ले लिया अपना। ठीक है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी देखें जी जानवर के पास लेंथ बड़ी ज़्यादा है, तैयारियाँ देखें माशाल्लाह, ये देखें पुठा शुठा, ये देखें मोड़े छोटे बड़े बने हुए हैं। अदनान भी, ये मोड़े भी गंदम से ही बनते हैं, गंदम से, दही से? दही से। तो ऐसे बकरे को कितना दही जाना चाहिए? मैंने तो तकरीबन इसे 1 किलो दही दिया डेली बेसिस पे, डेली पे 1 किलो दही दिया, 1 किलो से ज़्यादा नहीं दिया, तेल डाल के, उसमें तेल डाल के 1 किलो दही, तो 7 किलो मैंने तेल दिया। अच्छा, 6
6-7 किलो तेल दिया, 6-7 किलो तेल के बाद फिर मैंने इसे मक्खन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी इस मौसम में मक्खन देना चाहिए? हाँ जी, मक्खन देना चाहिए, मक्खन से अच्छी चीज ही कोई नहीं है। तो तेल और मक्खन में क्या फर्क देखते हैं आप? मक्खन थोड़ा सा ठंडा होता है, हाँ हाँ, बाज दफा तेल से भी मुंह खुल जाता है। हाँ जी, तेल अपने अपने जानवर की तबीयत होती है ना, जो ठीक चीज को माने, रिलैक्स रहे जिसके साथ। बिल्कुल जी। बाकी जी माशाल्लाह फेस देख लें, हर लिहाज से खूबसूरत है, और नौशो पाक का मलंग इसका नाम है जी, ये उनके नाम भी कुर्बानी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, उनके नाम पे कुर्बान होगा माशाल्लाह। जब ये बिल्कुल रिलैक्स रखा मैंने, कोई ज्यादती नहीं की इसके साथ, तो मज़ा भी इसी चीज़ का ना अदनान भाई, कि मेन मकसद है कुर्बानी, कुर्बानी खैरियत से होनी चाहिए। हाँ जी, दो दुकानें हमारे पास, ठीक है ना, एक शॉप है नीचे वाली, एक वो सलामत में बर्फी वाली, उन दोनों से टाइम निकाल के फिर मेरे जानवर को टाइम मिलता है जी। बाकी लाला जी अदनान भाई, मैं हर बार आपसे पूछता हूँ हाथ वाले शौक का ना, क्योंकि बड़े ज़्यादा लोगों का शौक है जानवर गली पे लगाएं, फिर वो कोई उस्ताद पकड़ते हैं और बाज़ दफ़ा उनको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलता, तो तैयारी पे लगाना जानवर आसान है? जानवर यानी बंदा एक जानवर हाथ पे लगा ले, उसके बाद वो हर साल इजीली लगा सकता है? हाँ जी, इजीली लगा सकता है, उसके बाद तजर्बा होना चाहिए, अगर वो किसी से तैयार करवाएगा ना। हाँ जी, बंदे उसे तंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो आ गए चले गए, फिर वो जानवर ना टूट, यानी तजर्बा खुद हासिल करना चाहिए, खुद होना चाहिए कि बंदा खुद पठे दे लेता हो। ठीक है, बंड हाथ से दे लेता हो माशाल्लाह। बाकी जी फेस ब्यूटी देख लें, नोशो का मलंग बड़ा खूबसूरत बकरा जी अदनान भाई का, क्या बात है जी। और अदनान भाई एंड पे कुर्बानी के हवाले से, इस शौक के हवाले से, कि बजाय बंदा किसी किस्म की गलत एक्टिविटीज़ में पड़े, ये जानवरों का शौक करे, हलाल शौक है, इधर टाइम लगाए। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह एक कोई एक अच्छा सा जानवर ले लें आप, ठीक है, उसे पाले, अल्लाह की राह पे कुर्बान करें। ठीक, बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को अदनान भाई के शौक की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।